हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत, नेपाल, ताइवान और जापान, अपने सभी पड़ोसी देशों से खराब संबंध रखने वाला चाइना अब ताइवान को लेकर और ज़्यादा एग्रेसिव होता नजर आ रहा है। दोस्तों, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान से लगती हुई अपनी कोस्टल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ा दिए, जिसमें ट्रूप्स की संख्या में बढ़ोतरी और अपनी नई मॉडर्न मिसाइलें तैनात करना तक शामिल है। दोस्तों, चाइना इस इलाके में अपनी पुरानी मिसाइलें, जिसमें DF-11S और DF-15S शामिल है, इनको रिप्लेस करते हुए अपनी नई मॉडर्न और कथित तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ DF-11S और DF-15S शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है, वहीं DF-17 एक मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड Mach 5 तक है। और जहां तक इसकी रेंज का सवाल है, तो यह आराम से 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के रेडियस के टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि भले ही ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा, पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को भी अपना एक हिस्सा मानती है और ताइवान को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी है। यही कारण है कि कोई भी दुनिया का देश ताइवान के पक्ष में या ताइवान गवर्नमेंट के पक्ष में थोड़ी सी भी बात कर देता है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसको लेकर कड़ा विरोध जताती है। और दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा तनातनी बढ़ी भी है, क्योंकि दोस्तों अब दुनिया के कई देश COVID-19 के बाद ताइवान को लेकर काफ़ी मुखर होते जा रहे हैं, जिसमें जहां भारत ने अभी हाल ही में ताइवान का नेशनल डे सेलिब्रेट किया, वहीं ताइवान के भी हाल ही में अमेरिका के साथ 70 से भी ज़्यादा F-16 फाइटर जेट को लेकर डील पक्की हुई। इससे भी चाइना काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। दोस्तों, चाइना की घबराहट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में चाइना के पास मौजूद चाइना का सबसे एडवांस फाइटर Sukhoi Su-35 को भी चाइना ने ताइवान से लगते हुए अपने कोस्टल एरियाज में तैनात कर रखा है। दोस्तों, हो सकता है आप में से कई कहेंगे कि चाइना का सबसे एडवांस फाइटर जेट J-20 है, लेकिन आपको बता दें कि J-20 की अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, और जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वे सारी की सारी अभी केवल स्पेकुलेशन है। यहाँ तक कि चाइना ने भी अभी तक J-20 के केवल 20 प्रोटोटाइप ही बनाए हैं। यही कारण है कि चाइना के पास J-20 होते हुए भी चाइना ने रसिया से Su-35 की डील को पक्का किया। दोस्तों, कनाडा स्थित कानवा डिफेंस रिव्यू के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चाइना ने ताइवान से लगती हुई अपनी सीमा में फुजियान और ग्वांगडोंग के दोनों मरीन कॉर्प्स और रॉकेट फोर्स बेस का विस्तार किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फुजियान और ग्वांगडोंग दोनों ही चाइना की रॉकेट आर्मी का हिस्सा है। जिस तरीके से भारत में केवल मिलिट्री के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होती है, लेकिन चाइना में डिफेंस फोर्सेस के तकरीबन 5 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 2 सेक्टर रॉकेट फोर्स और स्पेस डिफेंस के हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसी रॉकेट फोर्स की। वहीं दोस्तों, अभी हाल ही में चीनी राज्य ग्वांगडोंग में सैन्य अड्डे की यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों को युद्ध की तैयारी में अपने दिमाग और ऊर्जा लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, चाओझौ शहर में PLA के मरीन कॉर्प्स के एक निरीक्षण के दौरान भी शी जिनपिंग ने सैनिकों को हाई अलर्ट की स्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ताइवान को उकसाने वाली हरकतों के साथ ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना की एक रणनीति बन चुकी है अपना दबदबा बताने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।